इसका सारा डिटेल्स वगैरह कि कैसे इसकी बुकिंग होगी, क्या प्रोसेस होगा, कितने घंटे के लिए, कितने दिन के लिए अगर आप बुक करना चाहें तो उसका रेट वगैरह जो होगा वो विभाग जो है आप लोगों को बाद में डिटेल जो है वो दे देगा। और आप सब लोग, मीडिया के लोग सब लोग जो है आज हमारे साथ सफ़र किए हैं और हमको पूरा विश्वास है कि आप लोगों का भी एक्सपीरियंस जो है, अनुभव जो रहा होगा इसका, बहुत ही बेहतरीन रहा होगा। और यही अनुभव जो है हम चाहेंगे कि आप लोग बिहार के लोगों को बांटने का काम करें और बतलाने का काम करें ताकि लोग जो है इसका ज़्यादा से ज़्यादा सर्विस का इस्तेमाल कर सकें। तो और कोई सवाल होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं। सर पर्यटन, गंगा में पर्यटन की बहुत संभावनाएं हैं, नौका परिचालन की बनारस हो या अन्य जगहों पर देखने को मिलता है, उस दिशा में यहाँ पर कुछ और इनिशिएटिव? हाँ नहीं, और भी बोर्ड्स की बात चल रही है और हमको लगता है आने वाले समय में और भी बोर्ड्स हम लोग शुरुआत करेंगे। साथ ही साथ हमारा जो विभाग है पर्यटन विभाग, गंगा में वाटर स्पोर्ट्स को देखते हुए एक इंटरनेशनल लेवल का एक वाटर स्पोर्ट्स की व्यवस्था कराई जाए ताकि लोगों को केवल गोवा या अंडमान भागने की ज़रूरत ना हो, ये सारी सेवाएं जो है हम पट्टा में ही दे पाए, वैसा हम लोग विचार कर रहे हैं। उसको कैसे लागू करेंगे इस पर भी विचार चल रहा है, क्योंकि सेफ्टी को देखते हुए पहला प्रायोरिटी जो है सेफ्टी है। तो हर एक चीज़ हम लोग देखेंगे और कोऑर्डिनेट करके इस पर जो काम करेंगे। साथ ही साथ रिवर फ्रंट बनाने की बात, उसमें तीन चार डिपार्टमेंट मिलकर के काम करेंगे तो उसमें भी हम लोग गंभीर हैं। एक बार रिवर फ्रंट बन रहा है जिसको आप लोग मरीन ड्राइव करें, ये रोड जहाँ था शाम में देखते हैं किस तरह वो ऑर्गेनाइज तरीके से हो जाए और सरकार उसमें और भी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप कर दे तो बहुत ही अच्छा। हाँ, दीघा में शुरुआत बात की गई है, वहाँ बात की गई है, वहाँ भी जो जेटी है वहाँ से भी लोग जो है इसका लुत्फ उठा सकते हैं। आज किनारे पर रेस्टोरेंट बनाने को लेकर भी कुछ योजना चल रही है क्या, क्योंकि जो आज किनारे रेस्टोरेंट बनाने की, क्योंकि पर्यटक जो आते हैं वो रिवर फ्रंट का वन ऑफ द पार्ट है, अभी बहुत ही इनिशियल स्टेज पे है तो हम ज़्यादा अभी कुछ कहेंगे नहीं उस बारे में, लेकिन एक राज्य सरकार जो है एक अच्छा सौगात जो है और हमको लगेगा जब बनेगा तो देश दुनिया में ऐसा रिवर फ्रंट कहीं नहीं होगा। वहाँ हर एक चीज़ कल्चरल हो, मेमोरियल हो, स्पोर्ट्स को लेके हो, या आप जो कह रहे हैं बैंक्वेट हॉल, रेस्टोरेंट्स, फूड कोर्ट्स, मल्टी लेवल पार्किंग, लोग आएंगे तो गाड़ी कहाँ रहेगी, तो ये सारा व्यवस्था जो है हम लोग कर रहे हैं, लेकिन अभी इनिशियल आगे कार्यक्रम भी है।